अरे कोई है मंत्री यंत्री तैयार? कौन है ये बताइए आप कौन हो? अरे आप बताओ आप कौन है? मैं महारानी की बांदी हूँ। बांदी है? हाँ बताइए। बोलो काते बांदी है खुली भैंस ये तरह भित्ते काते हैं बांदी। ए हेलो समर के बोला करो मैं महारानी की दासी हूँ। यानी दासी है? ए मैं महारानी की देखवाली करने वाली हूँ। यानी महारानी के नीचे वाली? हाँ पैर चप्पी करने वाली। हाँ तो मैं भी महाराज के नीचे वाला हूँ। कौन नौकर? पैर चप्पी करने वाला चमचा। चमचा चमचा मत कहना, डेगची में डाल के खलखला दूंगा। हाँ महाराज के नौकर। हाँ हाँ बताओ क्या काम है? ये बताइए आपका नाम क्या है? हमारो नाम? हमारो नाम ना जानते? ना। एक बात पूछा है? हाँ। भूखी प्यासी तो ना है? अगर मैं भूखी प्यासी हूँ तो यहाँ क्या? देखो भूखी प्यासी हो तो एक बात बताए। बोलो। हम लाए अलीगंज से 11 केला। 11 केला लाए तो हमने 10 तो सूत लाए। सस्ता सूत लाए, एक केला बचो सुबह कुटी पर टंगो खाने तो वो सूत ले नहीं खाने। लड़ुआ खाने नहीं खाना। छेना खाने नहीं खाना। ना खाने न पोसा खाने नहीं खाने। चली खा मगर न सोता है नहीं खाने। नहीं खाने कुछ ना खाने कुछ नहीं खाने। हमें खाइए नहीं खाने। ना पूछ रही? हाँ आपका नाम क्या है? इतनी देर से मैंने पहले कभी ना देखा गेट। आज तो देखा? आज देखा। हमारा नाम ना जानते? ना। बोलो दुनिया का तो जो सब पराये थे का हमारे घर बारे का सब का ओ जीजा पिताजी का तो जीजा सबई का तो जो ना हुई जीजा बाऊ। अच्छा जीजा नाम है। हाँ। ये बताइए अगर मैं आपका नाम ये भूल गई तो? ये भी भूल जाए तो दूसरा नाम हमारा ओ फूफा। ओ फूफा मतलब जीजा फूफा। भूल गई तो ये भी भूल जाए तीसरा नाम है हमारा ओ जू ओ जू ओ जू। अजय भूल गई तो ये भी भूल जाए तो एक ना और वो जिंदगी भूल ना सकते। सीधी कह दियो तो दूर रहो। चलिए महाराज के पास ले चलिए। महाराज जय शंकर की। चरणजीव रहो महाराज। कहिए ताला लगवा दो। क्यों क्या बात है? बैलों से आंधी आई है। भरम जादे आंधी नहीं बांधी आई होगी। बांध या खुली भित्ती है। जाओ उसे इज्जत के साथ अंदर बुला के लाओ। इज्जत के साथ? हाँ इज्जत के। अरे बांदी जा पते का इज्जत महाराज ने कही ये नहीं कहा होगा। महाराज ने कहा होगा उसे इज्जत के साथ अंदर लाइए। तुम्हारा दिमाग सही है? जग कई इज्जत के साथ संग लाइए। ये कुछ ना कहा होगा इज्जत झंड ने कहते बांधे लाए इज्जत आ गई हो सर रे जल्दीया। महाराज कहिए बुलाइए। अरे महाराज पाए लागू। चरणजीव रहो। हे महाराज। हाँ। पहले तो मैं सहसा महलों से महारानी को छोड़ करके आपके दरबार में आती नहीं हूँ। आज कुछ इमरजेंसी काम हो गया तो महाराज जी ने आपको बुलाने के लिए भेजा। तो महाराज हाँ। मैं आते आते गेट पे आवाज लगाई मैंने कि कोई है मंत्री यंत्री। महाराज हाँ। ये आपके मंत्री निकल के आए। बोलो क्या बात है? महाराज खाने पीने की बात है होती रही। उसके बाद महाराज मैंने ये कहा ये बताइए आपका नाम क्या है? मैंने आपको पहले कभी ना देखा। तो कहने लगे महाराज और पूरी जनता हमारी घलवारे और महारानी जी हमको जीजा कहती है। महाराज की आपकी ए हराम जाते साले दासी पर जीजवा कहलवाता है। तरफ
का कहा महाराज क्या दासी से ऐसे शब्द बोलता है? का कही कोई गंत बात कही का? क्या कहा तुमने? आप बताओ का कही? हमने तो कुछ ना कही। तूने दासी पर मेरी बात सुनो महाराज। हाँ। जब आई दासी हाँ। तो हमने इसे भूख प्यास की बूझी। अच्छी बात है। ठीक है एक बात बताओ, कोई दरबार में आ जाए हाँ। और उसे भूख प्यास की, अरे आने वाले अतिथि का सम्मान करना बहुत जरूरी है, और जाए ना बूझते तो बदमाशी किसकी? बदनामी। हाँ बदनामी। हाँ अब बताओ जाने नाम पूछो। अच्छा तो हमने नाम बताओ। कहा बताओ महाराज तुम्हें कुछ बताओ, तुमने क्या कहलवाया है? आप बताओ हमें ध्यान ना रहो का। दासी से कहलवाता जीजा। आप भी कहते हो सारो राजा बेकार है सूखो महाराज। हाँ। आप रजिस्टर उठा के देखो मेरा नाम सीधा सीधा रजिस्टर पर लिखा है जीवा राम सिपाही, और आप मेरा नाम लेटेरा है जीवा जीवा। हाँ ये तो सत्य बात है, तुम्हारा नाम रजिस्टर पर तो जीवा राम ही लिखा है, जीवा राम सिपाही है। दासी महाराज जी बात नहीं है, पहले इन्होंने ये नाम बताया तभी मैं समझ गई कुछ दाल में काला है। मैंने कि महाराज ये बताइए मंत्री अगर मैं आपका ये नाम भूल गई तो कोई दूसरा ऐसा नाम है जिसे मैं याद रख सकूं? तो कहने लगी महाराज और पूरी जनता महारानी हमसे फूफा कह के बुलाती है। मंत्री क्या कहा दासी से? कहा कि महाराज फूफा कहलवाते हो? दासी कह रही है सीधे आप रजिस्टर देखो खोल कर सीधा लिखा रूपा। हाँ उस पे तो रूपा ही लिखा है। एक घंटा का दे दे जाकी ना जान तंदुरुस्ती। ए दासी इधर आओ। महाराज फिर भी ये बात नहीं है, मैंने कि अगर मैं आपके ये दोनों नाम भूल जाऊं तो कहने लगे कि महाराज और महारानी हमें ओजू कह के बुलाती हैं। साले बदमाशी दे रहा है कचहरी में भी बतवी जी। कहा गई महाराज जाने तीसरे नाम का बताओ। ओजू। ये ओजू क्या है? ओजू नहीं महाराज मेरी बात सुनो। हाँ। आपकी सभा लगी थी। हाँ। आपने कही मंत्री हमने कहो राजन कि जाइए कुआ से पानी भर के लाओ। अच्छा हम पहुंचे हमने तुरंत बाल्टी उठाई रस्सी उठाई हम पहुंचे कुआ पे तुरंत हमने रस्सी बांधी बाल्टी में। हाँ। और बाल्टी में रस्सी बांधे तुरंत हमने कुआ में डारी बाल्टी और तुरंत हमने बाल्टी में कुआ फांस लाऊ कुआ बाल्टी फंस गया फंस लाले बदतमीज हराम जादे बाल्टी फंस गया महाराज। हमने जैसे मैंने ऊपर खींची आपने आवाज मारी हम तुरंत बाल्टी कुआ में ढेले के बजे आज की पानी लाया मंत्री अने नहीं क्यों नहीं आपने आवाज मारी हम बाल्टी साली भाई में ढेले आए। जब ऐसी हरकत करेगा तो आपने कहा कही कि साले पक्का चोतू है क्या? अरे और क्या कहेंगे और जो कहते हो ये दासे महाराज फिर ऊँचाई बात ना आई हमने कही जब बताओगा जे तब के सब नाम भूल जाओ बताओ। हाँ। कहने लगे महाराज और महारानी हमें खसम कह के बुलाती हैं। मंत्री ताले खसम कहलवाता दासी पे खसम कहाँ गई फिर क्या कहा है? बेरम मेरे बूझे बेरम में ना तो हमने देव जहाँ तो सब बात खत्म। अच्छा मुझे कहते खसम ये दासी भी कुछ कम नहीं है दासी। ये बताओ किस लिए आना हुआ आपका? सुनो महाराज। हाँ, हाँ। कि सुनो श्री महाराज तुम्हें और सुनो श्री महाराज तुम्हें और महारानी मुलवावे से और घंटे हो लिए चार कमर में दर्द बतावे बतावे से मोरे राजा दर्द बतावे से और घंटे हो लिए चार कमर में दर्द बतावे से
लोटी फेरे मरज अलवे महाराज, महारानी की बहुत तेजी से कमर में दर्द हो रहा है, आप शीघ्र दरबार बंद करें, शीघ्र मेरे साथ चले। ठीक है मास्टर साहब, मंत्री इधर आओ।